The Punjab Chief Minister has also said that the person who died in the blast in the Ludhiana court complex yesterday was indeed the culprit. He said that there is no evidence to suggest that the Khalistani groups could be behind the blast. कल मेरी अमित शाह जी नाल भी गल हुई सी, उना दी भी सपोर्ट ले जा रही है इस मसले नू हल कर लई, इहदे लभण लई उना दियां भी टीमां इत्थे आईयां होईयां। मैं उना नाल गल कीती सी, उना दे मिनिस्टर भी अज इत्थे आए है, क्योंकि आरडीएक्स ते कुछ ऐसे इशू है जेडे पंजाब कोल ओ सिस्टम नहीं है, वो केंद्र सरकार दी एजेंसियां आके देख दियां है किस लेवल दा आरडीएक्स कित्थों आया हो सकदा, वो सारियां चीजां दी तहकीकात हो रही है। अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ आया नहीं, पूरी तहकीकात वहाँ जितने कैमरे लगे हुए हैं हर चीज से यही एविडेंस अभी तक यही आ रहा है कि वही आदमी ऑपरेट करने वाला था, उसके अपने ऊपर ही चल। भारत सरकार बहुत सीरियसली इस घटना को ले रही है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत चिंता जताया है। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री चन्नी साहब से मेरा बात हुआ और हमने ये तय किया कि हम तालमेल के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के एजेंसी, दोनों के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस काम में, बहुत अच्छी तालमेल के साथ हम इसको तय नतीजा तक जाएंगे और बहुत जल्द एक नतीजे तक पहुंचेंगे, ऐसा लीड दिया है। ये जरूर साजिश के तहत पंजाब का माहौल खराब करने के लिए किए जा रहे हैं। पंजाब के अंदर लोगों में माहौल खराब करने के लिए चंद लोग इसको वो कर रहे हैं, इस किस्म के इंसिडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि उनके इरादे नापाक हैं। ऐसे लोगों को पकड़ के उनको सख्त सज़ा दिलवाने की ज़रूरत है। पंजाब को आज एक स्थिर, ईमानदार और सशक्त, मजबूत सरकार चाहिए जो कि ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके।